नमस्कार मेरे दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी फेवरेट जगह पे आया हूँ। अगर आप मेरे कंटेंट को डेली अगर वॉच करते होंगे, मेरे व्लॉग्स को डेली देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, जो है मेरे खेत। और भाई मेरे खेत मेरी जान है एक तरीके से। अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई अमेरिका चला जा और अपने खेतों पर चला जा, तो मैं अपने खेतों को प्रीफर करूँगा, अमेरिका जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये खेत मेरी जान है। मैं यहाँ पर डेली आता हूँ, जब मैं घर आता हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अपने खेतों पे ना हूँ। और अभी मौसम चल रहा है आलू का, देखो चारों तरफ आलू है, आलू ही आलू। इधर से देखो, ये वाला ट्यूबवेल दिख रहा है, उधर से आलू देखो और उधर तक बहुत दूर तक जाते हैं। अभी दिखाऊंगा, उधर की साइड नहीं जा रहा क्योंकि अभी यहाँ पर कोई है नहीं, तो वहाँ पर टाइम लगेगा मेरे को अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पर। और ये वाला जो खेत है ना, इसमें स्पेशल बीज बोया जाता है, जो नेक्स्ट ईयर जो इसके आगे आने वाली ईयर है उसमें उन सभी के आलू बिक दिए जाएंगे, लेकिन इस खेत में से जितना निकलेगा वो सभी में बोया जाएगा अगले साल। और ये आप जो देख रहे हो, ये है बरसिंग, ये पशुओं के लिए चारा है एक तरीके से, भैंस के लिए बरसे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत सिस्टम। सपड़ी का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये भिंडी के पेड़ से सीजन चला गया तो पेड़ मर गए। और इधर ये पुदीना है, धनिया है, ये नींबू का पेड़ है, उधर भी नींबू मौसमी दिखाऊंगा जाके। और ये है मूली, मूली तो आप लोग अभी सैलड में मूली चल रही सबसे ज़्यादा। ये वाला पेड़ नहीं आ रहा है मूली का, बाकी देखो ये वाला है चने का पेड़। आप लोग कमेंट करके बताओ आप में से कितनों ने चने का पेड़ देखा है, क्योंकि आजकल बहुत रेयर है, चना कहीं होता नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता चना, लेकिन मेरे खेत में सब कुछ अवेलेबल है। अभी थोड़ी बूंदाबांदी होगी तो गीली होगी मिट्टी। इसमें पता है जब ये बोया जाता है उसके बाद इसमें पानी नहीं लगता ना इसमें ना मसूर में। ये इधर चना था, इधर दाल है, दाल मखनी जो बनती है ना वो इसी दाल की बनती है। अभी दिखाता हूँ, रुको, एक तो सिर्फ पेड़ ना सेम रहते हैं बिल्कुल। देखो अभी मैंने चने का पेड़ दिखाया तुमको, ऐसा ही था बिल्कुल। और ये देखो दाल का पेड़ है, ये मसूर की दाल, और ये मूली, और इधर भी है कुछ सिस्टम, अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये मेथी, उधर गाजर है, इधर क्या है, ये भी शायद नहीं, ये धनिया है, ये पीछे का धनिया है, उधर आगे वाला है, जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर ये आएगा, ये लहसुन है। और प्याज के लिए जगह कहीं पे कर देंगे, पता नहीं कहाँ उसके लिए जगह हो जाएगी अपने आप। इन दोनों मिनट्स में क्या है, इनमें देखो वहाँ तक तो आलू हैं, यहाँ तक आलू हैं, इसके बाद इनमें से स्टार्ट होती है गाजर, शायद इसमें भी आलू हैं इस वाले में, इन दोनों में गाजर होंगी। और ये मेथी है, ये वाली मेथी है, मेथी का पेड़ देख लो। और बगल में मूली के पेड़ हैं, मेड़ में बहुत बड़े बड़े मूली के हो जाते हैं। और उधर लहसुन है, लहसुन दिखाता हूँ आपको, वेट अ मिनट। ये लहसुन के पेड़ हैं हमारा, देखो अभी तो बहुत छोटा है, बोया गया है, टाइम लेगा बहुत। ये हाथों से बोया गया है, एक मशीन भी आती है लेकिन हम प्रेफर करते हैं हाथों से, क्योंकि हम बेचते नहीं है ना खाने के लिए, बस इतना सारा बस। इसमें से भी नेक्स्ट ईयर के लिए बीज के लिए बच जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो मैं आपको खेत दिखा रहा था, आलू 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 आलू, और वो दिख रहा है आपको बड़ा वाला टावर, उस टावर के पास है गेहूं, उधर पूरा कंपार्टमेंट गेहूं का है, क्योंकि यहाँ के खेतों में आलू अच्छे होते हैं तो यहाँ पे आलू करे जाते हैं, उधर मिट्टी थोड़ी चिकनी है तो वहाँ पे गेहूं करते हैं। और एक और बात, हमारे खेतों में ज़्यादा खाद नहीं लगता भाई, ऑर्गेनिक अगले साल से तो और कम डालेंगे, इस बार तो ऑर्गेनिक डाला है पूरा हुआ, अगले साल नहीं, इस साल पूरा ऑर्गेनिक नहीं है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक है, नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करेंगे कि 100% ऑर्गेनिक करें, क्योंकि देखो खाद पानी बीमारियाँ करता है। ये अमरूद का पेड़ है, और मेरे ये ना ट्यूबवेल की जो कुंडी है इसमें पीने का पानी अवेलेबल रहता है 24/7। ये वीडियो में आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, पत्ते वत्ते गए हैं ना, लेकिन यहाँ के किसी के अंदर से पूछोगे आप तो बता देगा भाई पीने वाला पानी है। मैंने इससे 10 दिन पुराना पानी पिया भाई, और कोई दिक्कत नहीं होती। जो बोलते हैं भाई पुराना पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ नहीं होता उससे, वो सब आपके मन का वहम होता है कि भाई पुराने पानी पीने से पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ 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 नहीं होता। हाँ मैं दिखा रहा था आपको, मौसमी का पेड़ है ना, हाँ ये तो बेलपत्र का है, ठीक है, जो शिव जी को अर्पण करते हैं। ये ताल का है, ये है मौसमी का पेड़, देखो आई थिंक कोई आ नहीं रही है, अभी आ नहीं रही है, ये वाला है मौसमी का पतला सा, और वो ताल का है वो भी। और इधर भी देखो मेथी है, यहाँ पे भी घास वास है, इसमें चने होंगे बाद में, ठीक है। तो मैंने पेड़ और दिखा दिया आपको, अनार देखो, अनार ये सफ़ेद वाला अनार है, आप लोगों ने लाल अनार तो खाए होंगे, ये सफ़ेद वाला अनार है, अभी ये फूले बन के अनार रेडी हो जाएगा, ठीक है। और देखो वो पेड़ दिख रहा है आपको दूर है थोड़ा शीशम के पास, वो है लाल अनार का, अभी मैं पास में जाके दिखा दूँगा, चलो तुमको। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो ना कि ये फेवरेट जगह तुम्हारी कैसे है, तो एक बार यहाँ पर मेरे साथ आना, फिर उसके बाद आपकी ये फेवरेट जगह बन जाएगी, गारंटेड देता हूँ मैं इस चीज़ की,
कि अगर आप मेरे साथ यहाँ पर आ गए और यहाँ का आपका आपने यहाँ का मौसम देख लिया, मौसम तो आपको भी दिख रहा होगा बिल्कुल शांति, हवा चल रही है ठंडी, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई है और कुछ नहीं है यहाँ पे कौन, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाल अनार का पेड़। ये है भाई लाल अनार का पेड़, देखने में पेड़ सेम है, सारे फूल भी सेम ही आते हैं। ये मैंने हथियार ले लिया हाथों में क्योंकि अभी मैं उधर की साइड जा रहा हूँ, तो उधर पता नहीं सांप वाँप वगैरह कुछ दिखे तो कंट्रोल में ले लो। एक काम करता हूँ, बरे में चलता हूँ। गाइस कमेंट में लिख के बताना कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ठीक है, और अपनी लोकेशन ज़रूर बताना। मैं हर वीडियो में आपकी लोकेशन पूछता हूँ लेकिन आप लोग बताते नहीं हो, इस बार धमकी दे रहा हूँ अपनी लोकेशन ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। तो भाई देखो इसमें ये हो चुका है बहुत, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं इसको, बवाल वैसा बवाल नहीं, कचरा एक टाइप का, इस खेत में बहुत ज़्यादा बवाल है, तो इसमें दवाई लगेगी या फिर ये खुलेगा। आई थिंक स्प्रे होगी इसमें, स्प्रे से ये सारा ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है, दिवाली के दिन दोबारा विश करेंगे और दिवाली के दिन पटाखे फोड़ेंगे आलू में एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, एक छोटा एक आलू लेंगे और एक पटाखे लेंगे और फोड़ के देखेंगे कि कौन सा पटाखा आलू का क्या हाल करता है, ठीक है। मेरे से ना ऐसे ऊपर पकड़ा नहीं जाता ज़्यादा, फ़ोन तो नीचे आ जाता अपने आप, ऑटोमेटिक ऑटो स्टार्ट है ना इसीलिए। और गाइस आप लोग बताना आपकी स्टडी कैसे चल रही है, स्टडी वार चैनल आई टैप पे एक लिंक आ रही होगी, उसको जाके देखना, कॉन्सेप्ट 23M नाम से चैनल है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारी टिप्स मैंने बताई हैं। और मैं देखो थक गया हूँ यार, बहुत चलना पड़ता है खेतों पे, जब से आऊँ तब से चल ही रहा हूँ लगातार, वहाँ से आ गया मैं यहाँ तक और अभी जाना है वहाँ पे, ठीक है। उधर एक लौंडा है मेरे को देख रहा है बार बार ये कर क्या रहा है फ़ोन ले गए, मैं इसी को उसको मारूंगा कि भाई क्यों देख रहा था पता, तेरे को चुपचाप नहीं रहा यार यहाँ पे, अगर टोकेगा तो फोड़ दूंगा उसको। तो दोस्तों देखो ये खेत है गेहूँ का, ठीक है, इसमें गेहूँ है देखो, हाँ छोटे हैं बहुत, इसीलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे, अभी मैं दिखाता हूँ पास में ले जाके, देखो देख क्या ये देखो दिख रहा होगा आपको आराम से। तो यह है गेहूँ का खेत, उधर की साइड में है सरसों को जो हम यहाँ पे बोलते हैं लाह, उधर दिख रहा आपको येल्लो येल्लो, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, इधर भी आलू हैं, ये लास्ट खेत है यहाँ का, इसके पीछे हमारा कोई खेत नहीं है, यहीं तक है, ये लास्ट है अपना, यहाँ से अपनी सीमा बंद हो जाती है इधर साइड की, ठीक है। ये देखो ये है सरसों का खेत, इसमें सरसों है पूरे में, ला जैसे हम कहते हैं पीली सरसों, ला लाई कुछ भी कह लो, ऐसा कुछ पेड़ होता है इसका। तो अभी तो मैं दिवाली पे खैर आया हूँ तो ये इतना छोटा है, और अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे अगली बार तो देखेंगे कितना बड़ा हो जाएगा ये, है ना। और शायद मैं अगली बार आऊँगा तो ये गेहूँ के पेड़ भी बहुत बड़े हो जाएंगे और आलू भी बहुत बड़े हो जाएंगे, सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा, मजाक से हट के, ठीक है। और गाइस मेरा जो इंटरनेट था 50% ख़त्म हो चुका है, अभी मेरे को मैसेज आया और सनसेट का टाइम है, इतना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, वो ये व्यू देखो भाई, ये जो बड़े बड़े टावर्स लग रहे हैं ना, इसकी लाइन बहुत आवाज़ करती है इस टाइम पे, सन देखो एकदम साफ क्लीन वेदर हो चुका है, अभी तो थोड़ी देर पहले बादल हो रहे थे, बारिश हुई थी, अब 5 मिनट में ही देखो पूरा ख़त्म हो गया। गाइस कमेंट में लिख के बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है ये वाली, और इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या करनी चाहिए मेरे को, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और देखो हमारे व्यूज़ तो आ जाते हैं अच्छे, मतलब ज़्यादा नहीं आते, कम से ही आते हैं, तो व्यूज़ को बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हमारे, इससे सपोर्ट दे देता हूँ अपने फ़ोन को, क्योंकि साथ से मेरे को आदत नहीं है ज़्यादा पकड़ने की, इससे पकड़ता हूँ, रुक जाओ नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो मैंने बोला उसको याद रखना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक तो कर ही देना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शेयर सारा जितने भी आपके ग्रुप्स हों ऑफिशियल अन ऑफिशियल सभी में शेयर कर देना, ठीक है। यही था तुम्हारे भाई का इस साइड का खेत,
पूरे खेत नहीं दिखाए मैंने अभी तो, देखो वो ट्यूबवेल उसके बगल में पीछे खेत है, गांव के उधर साइड में खेत है, इधर साइड में नहीं है कुछ, तीन साइड में खेत है, चार चौथी साइड में नहीं है कुछ, चौथी साइड में ले लेंगे, क्या दिक्कत है, पैसा बहुत है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पैसा बनाना पड़ेगा अपने अपने आपका। और गाइस बताओ आपका दिनचर्या कैसी कट रही है आजकल, पढ़ाई में क्या चल रहा है? तो गाइस देखो कई सारे मेरे से पूछ रहे थे यहाँ पे कमेंट में कि भाई ये खेत आपके फेवरेट क्यों हैं। तो देखो आपको सबसे पहले बता दूँ, एक बार आप मेरे गांव में आओ या फिर किसी भी गांव में जाओ, खेतों पे घूमो, वहाँ का मौसम देखो, शांति देखो, ठीक है। और मेरे को अकेला रहना पसंद है ज़्यादातर, और ज़्यादा किसी से लेना देना कुछ नहीं, अकेले रहो मस्त। ये देखो ये खड्डे देख रहे हो, जंगली सूअर ने करे ये, अब मेरे को कहीं से दिख जाएगा तो मैं क्या करूँगा पता है, कुछ नहीं करूँगा, बस साइड में हट जाऊँगा। जंगली सूअर जब आता है तो बहुत दूर से मुड़ पाता है, उसकी गर्दन नहीं मुड़ती, तो थोड़े दो तीन हाथ तो आप दूर हो जाओ उससे, सीधा निकल जाएगा वो, तो बचाव का मैंने बता दिया, ठीक है। आते हैं मेन पॉइंट पे। तो देखो स्टार्टिंग से मेरे को अकेला रहना पसंद था, तो मैं खेतों पे तो आता ही रहता था, और फिर खेतों से तो लगाव सही लग गया पूरा, और ट्रैक्टरों से तो बहुत ही याद आया भाई। मेरे किसी भी क्लासमेट से पूछो तो वो बता देगा कि भाई ट्रैक्टरों का तो दीवाना है। मेरा जो हैंडल आप देख रहे होंगे 7250 लिखा रहा है ना, मेरे पास मेसी फर्गूसन 7250 भी है, ठीक है, वो ट्रैक्टर है मेसी का, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, बहुत पावरफुल है, 50 हॉर्स पावर का है, और 50 की रेंज में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से मेरे पास वही ट्रैक्टर है, पहले 265 था महिंद्रा, फिर आया मेसी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ अपने खेत पे, वहीं पे जहाँ से आया था। गाइस पीछे का व्यू कैसा आ रहा है बताओ, एकदम बढ़िया लग रहा है ना बैकग्राउंड है, खेतों पे घूम रहा है तुम्हारा भाई, आओ घूमते हैं साथ मिलके और मूली खाते हैं। सब कुछ है मेरे खेत पे यार, जो तुम्हें खाना हो, गन्ने वन्ने सब हैं, ईख भी रख रखी है, देखो पालक भी है, मेथी भी है, ये सब कच्चा खाओ बहुत बढ़िया लगता है, मज़ा आता है खाने में, और अनार भी हैं, नींबू भी हैं, और अमरूद भी हैं, जामुन भी हैं, आम भी हैं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सीजन वाइज ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ मिल जाएगा आपको, ठीक है गाइस। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको क्या चीज़ बढ़िया लग रही है मेरे ब्लॉग में, मेरे खेत कैसे लग रहे हैं आपको, ये चने की सब्ज़ी कैसी लग रही है आपको, चने की सब्ज़ी किसने खाई है बताओ, वैसे वाले चने नहीं, ये पत्तों की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी खाई होगी आपने, पालक जैसी बनती है इसकी सब्ज़ी, अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है खाने में, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने घर और अपनी रंपो को पकड़ते हैं और चलते हैं, ठीक है। रंपो मींस माई साइकिल, मैं आज तक खेतों पर जब भी आता हूँ साइकिल से आता हूँ, बाइक से नहीं आता ना, ट्रैक्टर से आता, क्योंकि देखो साइकिल चलाना मेरे को अच्छा लगता है, और जंप करूँगा तो साइकिल से, फिर गाड़ी पे जंप करूँगा, नहीं बाइक से नहीं, बाइक मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती चलाने में, जब पहले मेरे पास राजदूत थी तो उसको चलाता था, राजदूत चलाने में भाई फील आता था बुलेट से भी बढ़िया। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस ने राजदूत देखी है और चलाई किस किस ने है, तीन गियर वाली, सेम साइड में क्लच और किक दोनों साइड एक ही साइड में रहती थी, बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। आपको अपनी बाइसिकल दिखाता हूँ, छोटी वाली है, गर्ल्स वाली। अभी तारीख है, आज तारीख है 10, ठीक है, और 20 तारीख को मैं यहाँ पे आऊँगा, तो देखना ये बड़े हो जाएंगे आलू सभी, अभी बिल्कुल भी हरियाली नहीं दिख रही होगी, बहुत कम कम आपको हरा हरा दिख रहा होगा, ग्रीनरी, ठीक है, उधर की साइड में दिख रही होगी थोड़ी बहुत। अब मैं 10 दिन बाद यहाँ पे आऊँगा ना, या फिर 5 एक हफ्ते बाद आऊँगा, तब देखना ये यहाँ पे सब कुछ हरा हरा और इतना मस्त लगता है भाई देखने में, एकदम एक नंबर, सनसेट भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी एक फ़ोटो लेता हूँ थंबनेल के लिए, और ये हमारे रंपो लेके जाएंगे, सिस्टम हैंग कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर।